देखिए बच्चों, अब यहाँ पे यहाँ तक जो है हमने इसकी जो कॉमन लिया ठीक है, और अब हमने इसको इसके मिडिल टर्म को ब्रेक किया, तो अब आगे क्या करना है? आगे हमने इसमें फैक्टराइजेशन में देखें, पहले जो पहला स्टेप आपका ये होता है कि आप मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, वो आपने कर दिया है। किस तरीके से किया मैंने बता दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें कॉमन लेना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इधर से ही कंटिन्यू करता हूँ ठीक है, इधर से कंटिन्यू करो। मैं फोर लिख दूंगा और यहां पे मैं लिख दूंगा x माइनस वन ठीक है, x माइनस वन। और अब मैंने क्या करना है, मैंने इसमें कॉमन लेना है ठीक है। तो यहां देखो ये दो टर्म्स हैं, यहां देखो भाई, अब हमने यहां पे क्या करना है, ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो मैं x को कॉमन ले लेता हूं ठीक है। कि देखो मैंने x को कॉमन ले लिया, अब मैंने x को कॉमन ले लिया तो यहां पे x स्क्वायर था, एक x बाहर गया, एक x जो है वो अंदर ले जाएगा, माइनस का माइनस। अब यहां पे जब x को मैंने कॉमन लिया है तो यहां पे मैं x को नहीं लिखूंगा, सिर्फ 3 लिखूंगा ठीक है। उसके बाद जो है मैं लिख देता हूं प्लस, मैं क्या ले लेता हूं, अगर मैं प्लस का 2 कॉमन लूं ठीक है, अगर मैं प्लस का 2 कॉमन लूं तो यहां से मेरे पास x रह जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2 के टेबल में 6 किस पे आता है, 3 पे, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 3 ठीक है। अब मैंने ले लिया कॉमन भी, अब वही उसी तरीके से दोबारा देखो, अब इस फर्स्ट टर्म में भी x माइनस 3 कॉमन आ रहा है और सेकेंड टर्म में भी x माइनस 3, तो मैं क्या करूंगा 4 और x माइनस जो 1 है उसको लिख लेता हूं। और अब मैं दोबारा क्या लूंगा, इस फर्स्ट टर्म में जब कॉमन लूंगा और सेकेंड टर्म में दोनों में कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस का 3 ठीक है, और जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा एक्स प्लस का 2 ठीक है। अब यहां से मैंने एक्स माइनस 3 जो है कॉमन लिया और एक्स प्लस 2 जो है वो मेरा बच गया। अब मैं इसको जरा थोड़ा सा तरतीब दे देता हूँ, 4 अपनी जगह और ये एक्स माइनस 1 और ये एक्स प्लस 2 और ये x माइनस का 3 ठीक है। अब मैं जरा 4 को ब्रेक भी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी आसानी हो HCF लेने में। 2 into 2 मैंने क्यों किया, वापस मल्टीप्लाई करने पे 4 ही बन रहा है, और ये x माइनस 1 और ये x प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस का 3। अब देखें, अब आपने जो करना है, अब आपने लेना है HCF, क्या लेना है HCF। अब जो आपका जो पहला पार्ट था, इक्वेशन 1 था, उसका ये आंसर आया आपका ठीक है, उसका आंसर आया था 2 into 3 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 ठीक है। और जो आपका इक्वेशन 2 है उसका आंसर आया 2 into 2 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3। तो अब देखें दोनों जो आपकी इक्वेशन है, जो दोनों आपके आंसर है, उसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ भी 2 जो है मौजूद है। तो एक तो 2 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज जो है वो x माइनस 1 है, क्योंकि यहाँ इस इक्वेशन में भी है और इस इक्वेशन के अंदर भी मौजूद है। और तीसरी वैल्यू हमारे पास देखो, इस इक्वेशन में भी x प्लस 2 है और इस इक्वेशन में भी x प्लस 2 जो है मौजूद है। तो मैं क्या कर लूंगा, मैं अब लिखूंगा HCF, HCF ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों क्वेश्चनों में 2 हमारे पास कॉमन था, मैंने 2 को HCF ले लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया। उसके बाद मेरा x माइनस 1 दोनों इक्वेशनों में कॉमन था, मैंने x माइनस 1 ले लिया। मैं हाईलाइट भी करके दिखा देता हूं आपको, देखो इधर देखो, यहां पर भी ये 2 है ठीक है, यहां पर भी x माइनस 1 है और यहां पे भी x प्लस 2 है ठीक है। और इसी तरीके से जो आपकी इक्वेशन, जो आपकी दूसरे इक्वेशन का जो आंसर है, उसमें भी ये 2 मौजूद है, x माइनस 1 है और x प्लस 2 है ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, इसको आप अपना HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वेशनों में कॉमन है। तो ये x माइनस 1 ठीक है और x प्लस
अब आपने इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करना है कि दोनों स्मॉल ब्रैकेट आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, और ये दोनों स्मॉल ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई हो जाएंगी और इसका एक आंसर आएगा तो उससे आप फिर इस टू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करते हैं इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। टू अपनी जगह पे रहेगा, स्मॉल ब्रैकेट देखो ये एक्स पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक्स पहले एक्स से मल्टीप्लाई, फिर एक्स जो है वो टू से मल्टीप्लाई। जब एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, देखो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, बेस सेम है तो हमें पता है कि जहां कोई पावर नहीं होती वहां वन होती, तो वन वन जब एड होगा तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, टू। इस तरीके से अब एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अब एक्स मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा टू एक्स, टू से तो ये हो जाएगा टू एक्स, हो गया। अब आपने माइनस वन को मल्टीप्लाई करना है एक्स से भी और माइनस वन को मल्टीप्लाई करना है टू से भी, तो माइनस प्लस माइनस और वन एक्स जा एक्स, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस वन टू जा टू, ठीक है। अब दोनों स्मॉल ब्रैकेट मैंने मल्टीप्लाई कर दी, अब इसको थोड़ा सा अंदर से मैंने सॉल्व करना है, तो ये टू अपनी जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये देखो अब ये प्लस का टू एक्स है और माइनस का एक्स है, तो ये प्लस माइनस ये हो जाएगा प्लस का एक्स, क्योंकि देखो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के रहते हैं, तो प्लस रहेगा और प्लस को हम शो नहीं करते, तो ये टू एक्स माइनस एक्स, तो ये प्लस का एक्स रह गया, तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्लस का एक्स लिख दूंगा और ये माइनस का टू अपनी जगह उसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अभी जो बाय टू है इसको आप इस क्या करेंगे, इस स्मॉल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये टू से टू जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, और प्लस 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 टू जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो टू एक्स हो जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ पे देखो प्लस साइन है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस टू टू जा फोर, और ये आपका हो गया एच सी एफ, और ये आपका HCF आपने निकाल लिया, ये आपका आंसर।